ने आपको हमारे हवाले कर दो, अब तुम बच नहीं सकते। हमें तो अब तक सलाहुद्दीन नहीं पकड़ सका, तुम्हें शौक पूरा करना है तो कर लो, आ जाओ। उस तरफ से जाना ठीक नहीं रहेगा, हमें अपनी सिम फौरन बदल लेनी चाहिए। ये रास्ता तो उस तरफ घूम कर जाता है, फिर गैब्रियल निकल चुका होगा हमारी तलाश में। नहीं नहीं, इस तरफ से जाने में बहुत खतरा है, हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं, बेशक ये रास्ता घूम के ही क्यों ना जाता। चलिए। मैं आपकी बहुत ताजीम करता हूँ, लेकिन अमीर रिहानी ने अपनी हद पार की है। हदें इन्होंने नहीं, आपने पार की है सलाहुद्दीन। क्या अपने बाबा को बिस्तरे मर्ग तक पहुँचाना काफी न था, जो इस तरह अपने चाचा का हुक्म मानने से इनकार कर रहे हो? गो आपके किए की सजा जिंदान होता, लेकिन मैंने सिर्फ रुकने का हुक्म दिया, मगर अब लगता है कि आपको रोकने के लिए जंजीर पहनानी होगी। आपको भी आपके आदमियों के साथ जिंदान भेजा जाता है। आप एक दोस्त हैं या दुश्मन? मुझे रोकने का मतलब है कि हम कैदियों को जाने दें अपने हाथ से। अस्कलान हज के रास्ते और हम में छुपा हुआ वो गद्दार सब हाथ से निकल जाएगा। गद्दार तुरान शाह है, रंगे हाथ हाथ लगा था। वो गद्दार नहीं है, आप जिद पर क्यों अड़ गए? हमने आपको बहुत मौके दिए सलाहुद्दीन, लेकिन आपने हमेशा नुकसान पहुंचाया। आप दरगुजर की हद से आगे निकल चुके हैं, इसलिए कोई और फैसला होने तक आप जिंदान में रहेंगे। मैंने कहा था मैं किसी को रास्ते की रुकावट नहीं बनने दूंगा। गिरफ्तार कर लिया जाए सिपाहियों। आप मुझे कभी भी नहीं रोक पाएंगे। नहीं रोक पाएंगे आप मुझे कभी। मैं ये सारी जंजीरें तोड़कर फेंक दूंगा और इन जंजीरों से आपकी गर्दन जकड़ लूंगा। Grrrr!